बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन मिर्च की चटनी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है रमज़ान में पकौड़ों के साथ। मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, हरी मिर्चें हैं 14 हरी मिर्चें, लहसुन के जवे लिए हैं 12, डेढ़ बंच लिया है मैंने, डेढ़ गड्डी फ्रेश हरे धनिए की, इसको धो के मैंने काट लिया था। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सब चीज़ों को हम एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे थोड़े से पानी के साथ। 1/4 कप मैंने पानी लिया है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि चटनी अच्छी पिसे। अब इसके अंदर बाकी हरा धनिया भी हम डाल के उसको पीसेंगे। इस तरह से चटनी बनाएं, बहुत अच्छी रहती है। 2 से 3 हफ्ते ये फ्रिज में रहे तो ख़राब नहीं होती। और मैं इसमें लीमू डालती हूँ, मुझे लीमू के साथ बहुत पसंद है। आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। इस टाइम पे मैं इसमें 1 लीमू का रस ऐड करूँगी। खटास आपके टेस्ट के ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं लीमू का रस। चटनी हमारी डन है। इसको मैं एक मेसन जार में या किसी भी आप शीशी में भर के रख लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।